अलवर जिले से पूर्व सांसद करण सिंह, प्रताप पूनिया, बलवीर छिल्लर, भवर सिंह पैलाड़ा, सुशीला कन्वर पैलाड़ा सहित नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में नेताओं को दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। हमारे पूर्व अध्यक्ष यात्रा कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चुनाव में क्या हो रहा है। यहाँ तो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, उसका कोई आंकलन नहीं है। और अलवर जिले का जो नेतृत्व है वो तो राज प्रसादों के अंदर कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस पार्टी में लोगों का दम घुट रहा था, इसी कारण आज भाई हमारे वरिष्ठ साथी अलवर जिले के कद्दावर नेता माननीय लक्ष्मण यादव जी, माननीय रामनेत यादव जी के साथ हम सब लोग आपको ज्वाइन करने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उसमें हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने डॉक्टर रहते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी और सेवा के क्षेत्र में भी वहाँ मिली, जिनका बड़ा नाम है, बड़ा साक्षर है राजनीति के, डॉक्टर करण सिंह यादव, हमारे प्रताप पूनिया जी जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं शुरू से, सुशील कुमार पलाड़ा जी जो असले के जिला प्रमुख है, किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र जी ठाकुर, अभी भी इस चुनाव में मात्र 2-2.5 हजार वोटों से पीछे, यहाँ लगा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी 30 मना रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, लोकसभा चुनाव अब कुछ ही समय में आने वाले हैं और आज चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जाना है, और ऐसे में कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया, तो कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है ये? कितना नुकसान होगा ये तो रिजल्ट पर निर्भर करता है, लेकिन ये जरूर है जो सिलसिला लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा था, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं भाजपा छोड़ के, कोई भाजपा में कांग्रेस छोड़ के आ रहा है, कोई आरएलपी छोड़ के बीजेपी में जा रहा है या कांग्रेस में जा रहा है। तो अक्सर जो चुनाव के समय, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, ये देखा जाता रहा है कि कोई अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है। अब इसमें प्रलोभन है या राजनीतिक लाभ है या फिर कुछ और है। हालांकि जब ज्वाइनिंग की जा रही थी तो नेता जरूर बीजेपी में, जब ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहा था, ये कह रहे थे कि राष्ट्र की जिस तरह की नीतियां हैं, पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में जितने काम किए हैं, जिस तरह से काम किया है, इन तमाम चीजों को लेकर ही वो प्रभावित हुए हैं और वहां पर ज्वाइनिंग यहाँ पर की है। लेकिन आज जिस तरह से करण सिंह ने भी कहा कि वो बीजेपी में आए हैं, एक सार्वजनिक मत से बीजेपी नेताओं को ये भी कहा कि वो शरणार्थी नहीं है, उनको शरणार्थी नहीं समझा जाए और पूरा मान सम्मान दिया जाए। यानी अभी भी जो कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है उनको शायद ये कहीं ना कहीं चीज है कि अगर वो घर छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद में उनका मान सम्मान कम हो जाए या फिर पार्टी में उनकी गिनती बड़े नेताओं में नहीं हो, ये डर कहीं ना कहीं नेताओं में है। और ये बयान अपने आप में दर्शाता है कि शायद कहीं ना कहीं जो चीज है जो भाजपा में कांग्रेस छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनका क्या असर होगा, संगठन में उनको किस तरह से तवज्जो दी जाएगी और क्या वो पहली लाइन में जिस तरह से कांग्रेस में बैठते हैं उनको यहाँ पर बैठाया जाएगा या नहीं बैठाया जाएगा, ये तमाम कयास यहाँ पर लगाए जाते हैं। हालांकि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जरूर कहा कि जो भी भाजपा मार रहा है उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखा जाएगा, पूरा सम्मान वहाँ पर किया जाएगा। ये एक तरह से कट से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दिखाई, सिलसिला लगातार जारी है। आज भी भाजपा में कई बड़े नेता जो है वो शामिल हुए, पवन सिंह पलाड़ा हो, करण सिंह यादव की बात करें, जेपी यादव जो कि कुलपति भी रह चुके हैं उनकी बात की जाए, सुशीला पलाड़ा हो जो कि अजमेर जिला प्रमुख है, अलवर जिला प्रमुख की अगर बात की जाए, छिल्लर उनके पर बलवीर छिल्लर उनकी बात की जाए, उनके साथ साथ कई चेहरे ऐसे भी रहे। चूरू से अगर देखा जाए तो चूरू से प्रताप पूनिया की अगर बात की जाए, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, चूरू का लोकसभा का अलग ही जीते नहीं थे, तो एक बड़े चेहरे गिनती में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई छोटे चेहरे भी, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पार्षद, इन तमाम लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा। धन्यवाद।